नमस्कार, मैं सुनील, आप सभी का स्वागत करता हूँ। यस, बीकेसी से लाइव आप सभी के सामने उपस्थित। कर्नल सीके नायडू टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर आसाम और मुंबई के बीच, आज का मुकाबला। और मुंबई ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर न्योता दिया आसाम की टीम को। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की यहाँ पर कप्तान बिप्लब सॉइकिया ने, उन्होंने 34 रन बनाए और उनका अच्छा साथ दिया यहाँ पर शुभम मंडल ने। आसाम का स्कोर 22 ओवर पर 90 रन एक विकेट के नुकसान पर। और अर्जुन तेंदुलकर खासे महंगा साबित होते हुए, जिनके गेंदों पर बिप्लब सॉइकिया ने लगातार दो गेंदों पर दो चौके लगाए थे और सक्षम ने आउट किया यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विकेट अर्जित करने में कामयाब बिप्लब सॉइकिया के रूप में। रमीज रबानी आए हैं बल्लेबाजी का भार संभालते हुए स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइकर इन पर हैं शुभम मंडल, बाएं हाथ के बल्लेबाज। काफ़ी अच्छी गेंद और इस टीम में है जितुमणि कलिता, मिन्मय दे, राहुल सिंह, बीकेसी से लाइव आप सभी के सामने उपस्थित। इसके साथ अगली गेंद और काफ़ी अच्छा शॉट फिर से यहाँ पर रमीज रबानी, अर्जुन तेंदुलकर के गेंद पर चौका लगाते हुए। खासे महंगा यहाँ पर दिखे, जिस प्रकार की यहाँ पर आज बॉडी लैंग्वेज दिख रही है अर्जुन की, लगातार अच्छे बल्लेबाज का मुजाहरा करते हुए रमीज रबानी महंगा साबित होते हुए। अर्जुन तेंदुलकर सातवें ओवर करते हुए 48 रन दे चुके हैं। अर्जुन की अगली गेंद यहाँ पर स्ट्राइक पर है रमीज रबानी और यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा, एक रन लेने में कामयाब यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। और अच्छी सूझबूझ के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए सुवन मंडल 80 गेंदों पर 38 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पर रमीज रबानी 18 के निजी स्कोर पर। कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी पहला मुकाबला आसाम और मुंबई के बीच, मुंबई से लाइव अभी सबके सामने उपस्थित। अर्जुन की अगली गेंद सामना करेंगे शुभम मंडल। अच्छी गेंद थी वहां पर, सम्मान दिया। और जिस प्रकार की अगर हम बात करें तो सलामी जोड़ी यहाँ पर बिप्लब सॉइकिया और शुभम मंडल अच्छी लय में यहाँ पर दिख रहे थे। 5 ओवर पर 35 रन बनाकर खेल रहे थे दोनों में, एक अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की, हावी होने नहीं दिया यहाँ पर सक्षम और अर्जुन तेंदुलकर को। अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर अच्छा प्रहार लगाते हुए यहाँ पर बिप्लब सॉइकिया, हालांकि उनको चलता गया सक्षम ने। इसके साथ अर्जुन की अगली गेंद सामना करेंगे शुभम मंडल। पॉइंट की तरफ खेल दिया यहाँ पर खिलाड़ी तैनात, रन लेना चाहते थे शुभम मंडल, यहाँ पर मना किया रमीज रबानी ने। और 4 दिनों का यह मिड डे टूर्नामेंट सी के नायडू, तो वहीं पर अगर हम बात करें तो गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है रणजी ट्रॉफी आसाम का पहला मुकाबला। आसाम और सर्विस के बीच जहां पर आसाम को यहां पर 242 रनों का लक्ष्य दिया है सर्विस ने। पहले आसाम सर्विस की टीम बल्लेबाजी करते हुए 124 में ऑल आउट हो गई थी,
तो यहाँ पर 162 रन में असम की टीम ऑल आउट हुई और सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पर दो सौ 79 रन बनाए सर्विस की टीम, जहाँ पर औरभ दास ने 5 विकेट अर्जित करने में कामयाब। पल्लव दास और ऋषभ दास खेल रहे हैं रणजी टूर्नामेंट, तो यहीं पर ड्रिंक्स बुलाया गया है। और यस प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कमेंटेटर सुनील गुरु, ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।